रखते थे हम उन लोगों की बजाय जो थोड़ा ही पीते थे लोग वो ज़्यादा पसंद करते थे। हमें पीने पर हमारे परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में गलाने या गुस्से में होते थे। हम में से कुछ नौकरियां इसलिए छूटी क्योंकि काम पर हमारे जैसे किसी अधिकारी या साथी ने हमारे पीने पर आपत्ति की। हमारी इच्छा होती थी कि लोग अपने काम से काम रखे और हमें अकेला छोड़ दें। होगा केवल दोबारा शुरू करने के लिए जी और जीने दो। कि धारणा अमल में लाना शुरू करने के लिए हमें एक तथ्य का सामना कर सहमत नहीं है ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं। फर्क के साथ जीना सीखना हमारे आराम के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही मौक़ों पर हमने अपने आप कैसे सहन करें चाहे या कितना या कारोबार या बेटिया हो दी या जीने का कारण हमें योगी नहीं है। हमारी अपनी रोग मुक्ति कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम याद रखते हैं कि शराबी मन मार सकता है और मारता है। हमने समझ लिया कि दूसरे लोगों को समझने का विशेष प्रयास करना फायदेमंद होता है, खासकर उनको जो हमें परेशान करते हैं। हमारी रोग मुक्ति के लिए हमारा दूसरों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि दूसरों का हमें समझाना। यदि हम दिमाग में रखें कि दूसरे सदस्य भी हमारी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत मुश्किल में हमने एक नई तकनीक सीखी है। हम किसी भी तरफ अपने आप को इतना नाराज नहीं होने देते कि हम उस व्यक्ति को अपना जीवन नियंत्रित करने दें, खासकर उस सीमा तक कि यह हमारे पीने का कारण बन जाए। हमने पाया कि हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना जीवन चलाने या बर्बाद करने दें। एक पुराने ऋषि ने कहा कि हम में से किसी को भी दूसरे की इच्छा नहीं होगी। क्या आप इसी समय किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो वास्तव में आपको परेशान करता है? यदि हाँ तो कुछ कोशिश कीजिए उस व्यक्ति के बारे में उसमें या वह आपको उत्तेजित करता है उस बारे में सोच स्थगित कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो बारे में अंदर से उबर सकते हैं लेकिन अभी के लिए छोड़ना जब तक अपना अगला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं इसे आगे बढ़ा दिया जाए। जियो अपने जीने के बारे में चिंतित हो हमारे विचार में संयमित रहना जीवन और प्रसन्नता का द्वार खोलता है। यह एक लायक है कि इस पर कई इच्छाएँ और तर्क प्रमाण कर दिया जाए तो आप उस व्यक्ति से अपना दिमाग पूरी तरह से नहीं हटा सके। देखते हैं कि क्या आगे आने वाला सुझाव मदद कर सकता है। अच्छा कर क्या होगा वही बोला ठीक करते तो हम अपने आप को संयमित रहना सीखते हैं। बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं सही तरीके और सही तरीके से किया जाए और जीवन का प्रसन्नता का द्वार खोलता है। चेहरे पर खुशी रहती है, रिलेशन खराब नहीं होते, व्यक्तियों से बनी रहती है, फैमिली के साथ सही व्यवहार रखते हैं और यार दोस्त भी अच्छे लोगों के साथ बनती है। गंदे लोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति से अपना दिमाग उसी टाइम हटा देंगे जो नशे का बाकी होगा और जो आप हमेशा लगा देंगे उसी तरह का आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। अगर इसी तरह चलेंगे उन्हें से बचने की कोशिश करनी हो तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर दिया जाए और अपने आप को इस तरह बिजी कर दो कि नशे की तरह अपने आप ध्यान ना जाए। कोई भी काम करते रहना चाहिए, दिमाग का उपयोग नशे की तरह बना जाए और आपका स्वास्थ्य अपने आप ही आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। रात में हमने जो काम करने की सोची थी लेकिन खाली समय में हम देख किताब पाए खाली स्थानों को भरने और